सो आई माई यूट्यूब के प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। देवेंद्र अग्रवाल का आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग हमारा चैनल देखते हैं। और सबसे कहना चाहूँगा मैं, जितने भी देखने वाले इंडियन हैं, कि जय श्री राम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम एंड वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु का खालसा। मेरे दोस्तों, आज मेरे पास में कोई टॉपिक तो नहीं है, और हालांकि एक वीडियो मैंने अभी बना रहा हूँ। मैंने बताया ना कि 2 दिन में 3 दिन में तब जाके वो वीडियो बना। आप देखेंगे PMI 632 अभी भी यहाँ पर है, और मैंने मिठाया नहीं सिर्फ वीडियो के चक्कर में कि भाई वीडियो शूट करना था, बट क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट आपको देते हैं। और ये वीडियो है हॉल आईसी के बारे में, ये वीडियो है एक फॉल्ट के बारे में जो मोबाइल में अक्सर आ रहा है। वो फॉल्ट हमें MD सर बताएंगे क्या फॉल्ट है वो। सर एक्चुअल होता क्या है कि हम मोबाइल में जब भी हमारा स्लीप मोड में मोबाइल जाता है, वो डबल से फिर चालू नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम आती जब है। जब हमारा फोन ऑन होता है और स्लीप मोड पे जाने के बाद में, फिर दूसरी बार जब हम पावर की दबाते हैं तो ऑन नहीं होता है। हालांकि मेरे पास कोई अभी यहाँ तो फिर कोई चार्जर इंसर्ट करना पड़ता है, उसके बाद होता है। तो हालांकि मेरे पास नहीं, उसमें डिस्प्ले आते ही नहीं है। तो फिर हालांकि हमारे पास तो हैंडसेट तो है नहीं है कि हम आपको दिखा दें, पर ये होता कैसे है, उसमें क्या चेक करना होता है, उसको बाईपास कैसे करना होता है, इस वीडियो में हमने पूरा आपको तरीका बताया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने जितना हो सकता है शेयर कीजिए, अपने भाइयों को दिखाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता किस वजह से है। देखिए दोस्तों, अभी मैं बहुत सारे बूट स्कैन सर्किट डालने वाला हूं, बट अभी ये जो वीडियो है ये हॉल सेंसर के बारे में है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। हॉल सेंसर एक मैग्नेटिक सेंसर होता है। जनरली ये जो कारण होते हैं कि डिवाइस मोड जब अगर हम बात करें, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉल सेंसर में होता है। हाल में ही मेरे दूसरे तीसरे महीने पुराने बैच के एक स्टूडेंट ने यही एक EMMC से भी एक फॉल्ट बनाया, एक स्टूडेंट ने यही एक मेरे PMI से भी फॉल्ट बनाया। तो फॉल्ट अलग अलग से भी आ सकते हैं, बट आप सैमसंग में या और एंड्रॉयड में, चाइना मोबाइल में, साउमी के हो गए, आप उसमें ये IC पहले दौड़िए, उसके बाद नहीं तो फिर दूसरा और भी सोल्यूशन है जो हम अपने स्टूडेंट को देंगे, फिलहाल आपको ये सोल्यूशन दे देते हैं। तो हमारे सेट में एक हॉल आईसी लगी होती है जिसको मैग्नेटिक आईसी कहते हैं, और ये मैग्नेटिक सेंसर होता है। मैग्नेटिक सेंसर मैग्नेट सेंस करता है और इन आउट कराता है। देखिए, ये आईसी एक LDO की जैसे होती है, 4 लैग की आईसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और इस आईसी पर एक नंबर पे VDD लाइन आती है जो कि बेसिकली हमारी 1.8 LDO की वो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे चार्जर लगने पर, और ये दूर टाइम पे आते हैं जब हमारे चार्जिंग के सिस्टम हो, क्या CBL या PG कोई भी लाइन बोल सकते हैं, जब हमारे पावर को मिलती है तब, या जब हमारी टिकरिंग होती है कीपैड की तब ये लाइन इस पर VDD वोल्टेज आता है, और ये VDD कंटिन्यूस बना रहता है ऑफ होने तक, मतलब जब तक ये मान के चलिए जब हमें डिस्प्ले ऑफ करना है तब तक ये लाइन पे 1.8 वोल्टेज बना होता है। अब ये दूसरी लाइन जो होती है इसकी, सैमसंग में कॉइल के थ्रू ग्राउंड होती है। अगर ये बात करूंगा मैं सैमसंग की, अगर ये बात करूं मैं ये एक चाइना फोन की, तो ये आईसी डायरेक्ट ग्राउंड होगी, ठीक है। तीसरी लाइन पे इस आईसी पर NC लाइन होती है, मतलब नॉट कनेक्टेड होती है। और चौथे नंबर की जो लाइन होती है ये आपकी बेसिकली आउटपुट होती है, जिसको फ्लिप कवर के नाम से या हम हॉल के नाम से भी देख सकते हैं। और ये जो है ये बेसिकली कनेक्ट होती है आपके CPU कनेक्शन पे। सो अगर हमें देखना क्या है, जब भी आपके पास ये आए तो पहले आप अपने आईसी को पहचानिए। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने डायग्राम का भी यूज किया है और प्रैक्टिकल भी बताया एक बोर्ड में। आप देखिएगा जब भी आपको आए कि हॉल सेंसर में पहले वाटर डैमेज होने के कारण ज्यादातर ये फॉल्ट आता है, पर हम देखें कि आप बस इतना देखें कि यहाँ पर जो आपको GR है ये 250 से 800 के बीच में मिलना चाहिए, और जहां पर जो वोल्टेज है 1.8 नहीं आ रहा है तो आप पावर के या बाईपास कीजिए। आप एक बार कहीं से वोल्टेज यहाँ पे दीजिए, अब कहीं से क्या है फिलहाल इतना तो डीपली मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है। सो आप अपने PM से इसको एक ऐसे जिससे ऑन होने से ऑफ होने तक आपको वोल्टेज मिले, एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढिए और वहां से उठाकर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज का जम्पर मारिए, इन केस अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिलता है। बट अगर आपको ये वोल्टेज मिल जाता है तब आप 4 नंबर पे, क्योंकि 2 तो ग्राउंड है, और ये भी चेक कीजिए दो ग्राउंड है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉइल हट गया तो भी आईसी काम नहीं करेगी और NC से कोई मतलब नहीं है। 4 नंबर पे
तो ये जीआरबी आपका 300 से 800 के बीच में आना चाहिए, और ये फ्लिप कवर हॉल सेंसर है, और ये सीपीयू से ही आता है। बेसिकली अगर आप सीपीयू हटा देंगे तो हो सकता है आईसी है रिवर्स जीआर हो, बट ये सीपीयू से आता है। अगर आईसी खराब हो जाएगी तो यहाँ पर ये जीआर आना चाहिए, क्योंकि अगर जीआर नहीं आ रहा तो आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा, या आपको उसके अंदर की पैड लाइन चेक करनी पड़ेगी। ध्यान देना, पैड लाइन। अब जैसे ही आप 1.8 वोल्टेज देते हैं, यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज की लाइन मिल जाती है, और ये एक सेंसर जैसा काम करने लगता है। अब जैसे हम इसको मैग्नेट देते हैं, क्योंकि हमारे फ्लिप कवर पे मैग्नेट लगा होता है, जैसे हम इसको मैग्नेट से थोड़ा टच कराते हैं या थोड़ा पास में लाते हैं, ये 1.8 जीरो वोल्टेज में बदल जाता है। और जैसे ही जीरो वोल्टेज होते हैं तो सीपीयू को लगता है कि मैग्नेट टच हुआ है, कोई ना कोई लाइन सेंस मिली है, और सीपीयू उस टाइम पे अपने फोन को स्लीप मोड में डाल देता है। स्लीप मोड मतलब जिसको हम कहते हैं जब आपका फोन, जब आपका टच और ग्राफिक्स और लाइट तीनों काम करना बंद कर देते हैं। सो आइए देखिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही चीज आप डायग्राम में देखिए तो डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले A50 का डायग्राम ओपन करूंगा, तो ये सैमसंग में प्रेगमाफिक्स यूज करता हूँ ज्यादातर, और ये A505 और A505 में अब हम जो फिलहाल एक सेट में मैं आपको इन केस बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो हॉल सेंसर लगा हुआ है ये बैटरी कनेक्टर के पास में, यहाँ पर ये सो आप देखिए ये हॉल सेंसर है। अब इस सेंसर में आप देखिए कि ये 1, 2, 3 जैसे मैंने बताया, एक VDD ग्राउंड आउटपुट आउट फ्लिप कवर मतलब TP मतलब, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप फ्लिप कवर आपको ये आई, और ये हॉल्ट INT मतलब इंटर की लाइन है। तो आप अगर यहाँ पे 1.8 देंगे तो यहाँ पे 1.8 रहेगा, पर जैसी मैग्नेट देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो CPU को लगेगा कि भाई मुझे अब डिस्प्ले को स्लीप मोड पे डालना है। तो होता यही है कि 1.8 वोल्टेज यहाँ देते हैं और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है, तो इस वजह से CPU को लगता है कि वो मैग्नेट सेंस हो रहा है और मुझे 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो वो आपको स्लीप मोड पर डाले रखता है। तो आपने क्या करना है, एक नंबर से चार नंबर पर आप जंपर भी मार सकते हैं, सिंपल है, इसको हटा दे की जरूरत नहीं है। और अगर आपको भाई IC चेंज करना है तो IC चेंज कीजिए, फिर वो मैग्नेटिक सेंसर भी काम करने लगेगा। आप इसको हटा के एक और चार को भी जंपर मार सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो आइए प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर देखिए बोर्ड पर, देखो ये एक A50 का सेट है, यहाँ पर CPU भी लगा हुआ है, ये देखिए ये RAM लगी हुई है, ये UFS है, और ये डुअल डेकर है जिसको हम सैंडविच CPU भी कहते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ठीक है। और इसमें यहाँ पर अगर मैं ये हॉल सेंसर दिखाऊं कि IC दिखती कैसे है यहाँ पर, तो देखिए, और मैं थोड़ा सा पीछे कहूंगा कि ये थोड़ा मेरे को भी दिखाएं और उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉल सेंसर लगा हुआ है, ये नोज कट पॉइंट है 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ये जो कॉयल है, सबसे पहले मैं अगर यहां से बात करूं, ये जो कॉयल है ये आपकी इनपुट की कॉयल है, ये भी ओपन हो जाएगी तो 1.8 वोल्टेज यहाँ नहीं आएगा। ये जो ग्राउंड है, इस कॉयल के थ्रू ग्राउंड हुआ है, ये भी ओपन हो जाएगा तो 1.8 ग्राउंड नहीं, इसको नहीं मिलेगा, ये NC है। और यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज होना चाहिए, जो 1.8 वोल्टेज सीधा आपके CPU में जा रहा है। तो चलिए इसके लिए हम एक सेट में आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इधर दिखाइए, हमने अपने DC मशीन को 1.8 वोल्टेज में सेट किया है, ये देखिए, और एम्पियर फिलहाल हमने 2 एम्पियर लिए हैं, मैं यहाँ पर 2 ही कर देता हूँ, ये तो ये देखिए 2 एम्पियर ले लिए, और हमने यहाँ पर जो वोल्टेज है ये देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज है आप देखिए, इस ऊपर दिखाइए और ऐसे दिखाइए कि ये और ये दोनों एक साथ दिखे, ठीक है। अब देखिए ये वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं आपको, अब दिख रहा है, दिख रहा है वोल्टेज जी। अब देखिए हमने इस पर डायरेक्ट एक 1.8 वोल्टेज की लाइन जम्पर मारी है, एक आपको टेस्टिंग कराने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर तो एक लाइन जम्पर मारी, मतलब मारेंगे, मारी का मतलब मारेंगे,
ये फिर से। तो अब देखिए हमने यहाँ पे एक वन पॉइंट एट जम्पर मारा है, अब हम इसको ग्राउंड देंगे इस पीसीबी को ताकि 1.8 का लोड पूरा हो। अब हमारा यहाँ पर 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए। देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखाइए, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है 1.8 1.8 दिख रहा है, 1.7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इनपुट हो गया, तो अब आईसी के चार नंबर पे कितना आना चाहिए? आईसी के चार नंबर पे भी उतना ही आना चाहिए जितना इनपुट पे आया था, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, 1.7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये कब तक आता रहेगा? जब तक कि इसको मैग्नेट टच नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम इसको मैग्नेट टच करेंगे, आप मोबाइल में बने रहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देखिए, दिखाइए यहाँ पर ऊपर दिखाइए कहाँ रखा रखा। अब नीचे देखिए, अब नीचे मैं जैसे इस पर मैग्नेट लाता हूँ, लाओ जरा मैग्नेट, ये देखो थोड़ा और पास में लाओ, नीचे करो मैग्नेट, नीचे करो, ये लाल वाले प्रोब के पास लाओ मैग्नेट, लाल वाले प्रोब के पास, ये देखिए ये फ्लक्चुएट हो गया, ये भी बंद हो जाएगा, थोड़ा और नीचे करो, ये देखो ये बंद हो गया 0.0। हटाइए मैग्नेट, हटाइए यहाँ पे दिखाइए, यहाँ दिखाइए, अब देखिए पास लाइए, देखिए दूर हटाइए, मनी हटा दीजिए, देखो दिखा दो यहाँ पर, देख गया देखो। अब यहाँ पे, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, अब मनी पास लाओ, यहाँ पे नीचे रख दो जहाँ पे ये वाला प्रोब है, ये वाली जो आईसी है ना इसके ऊपर रख दो। अब यहाँ पे दिखाइए, पहले यहाँ पर रख दो, हाँ दिखाओ यहाँ पर दिखाओ, ये देखो 0.0 हो गया। अमन यहाँ पे दिखाओ वापस, अमन नहीं हटाओ, यहाँ पे दिखाइए, देखो 1.7 हो गया, हटाओ हटाओ मनी छोड़ो। तो आपने समझा कि क्या है, जैसे मैग्नेट लाते हैं, आई होप कि ये जो दोनों लोग हैं मेरे वाइफ और ये साहिर भाई एमडी सर, इनने थोड़ा वीडियो थोड़ा अच्छे से बनाया हो, सिंक्रनाइज किया हो, और जहाँ इनको कैमरा दिखाना हो वहाँ दिखा रहा हो, क्योंकि अगर आपको इससे समझ में नहीं भी आया तो यार फिर क्लासेस आइए, ज्वाइन कीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और फिलहाल तो ये है कि इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो ये बोलेंगे कि सर इसको जम्पर कैसे मारना है, तो इसको जम्पर का सीन ऐसे है कि अगर इसको जम्पर कैसे मारना है तो आपने या इसे हटा के यहाँ से यहाँ पर जम्पर आप 1.8 का मार सकते हैं, बट आपको आईसी लगाना है तो ज़्यादा बेटर है, आप कस्टमर को मैग्नेट सेंसर भी दे सकते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि 1.8 वोल्टेज किस तरीके, हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि 1.8 वोल्टेज किस तरीके मैग्नेट टच होने के बाद में 0 हो जाते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि ये 1.8 वोल्टेज का भी जम्पर आपने दे दिया फिर भी नहीं हुआ, तब आपको करना है मास्टर लेवल का काम, मतलब आईसी सीपीयू के पैड तक का। तो आप देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता के रखा हुआ है, ये देखो, तब आपको ना सीपीयू निकालना है आपका, ये देखिए, और इस सीपीयू के निकालने के बाद में यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर आपको अंदर ये लाइन चेक करनी है, ये देखिए ये हॉल आईसी, ये देखिए ये वीडीडी, ये ग्राउंड एनसी, और ये आपकी 1.8 हॉल फ्लिप कवर वाली सेंसिंग लाइन जो आपकी जा रही है सीधा सीपीयू लाइन पे, और ये जा रही है यहाँ पर इधर। तो हम इसको गिन लेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमें ऊपर 9 नंबर पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, देखिए, तो कि हमने 1.8 वोल्टेज का सीधा जम्पर मारा हुआ है इसके वीडीडी पर, ध्यान दीजिए, गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए वोल्टेज मिल रहा है, मिल रहा है वोल्टेज 1.77, ठीक है। अब ये वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वोल्टेज मारा गया है वो बिल्कुल सही है और काम करेगा, क्योंकि वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, बट आपका सीपीयू सही होना चाहिए, सेट ऑन होना चाहिए, सो ये जो फॉल्ट है ये निकल जाएगा। और भाई कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। और मैंने कहा कि एक वीडियो और आने वाला है, और उस वीडियो में पहले बता देता हूँ, मैंने एक रेडमी 8A बनाया था डैट, जिनमें ग्राफिक्स नहीं था, अब उस सेट को मैंने बनाया, तो उस सेट का पूरा ये सब बताया। पहला तो पहला वीडियो का ही वॉइस चला गया, तो मुझे अलग से वॉइस देनी पड़ी, फिर उसके बाद वीडियो कैसे भी उसको फिर करके मतलब पूरा चालू किया,
चालू करने के उसमें ग्राफिक्स लाइट नहीं आ रहे थे, तो उसके बाद में उसके देखा तो उसकी लाइट का इनपुट लाइन ओपन था, फिर उसमें देखा कि ग्राफिक्स में बीपी लाइन ओपन थी, फिर उसका सीपीयू रिवॉल्व किया, सीपीयू रिवॉल्व करके उसका माइक्रो जम्पर, हालांकि जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि टेस्ट पॉइंट मिल गया था वहां से लेकर किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में मतलब मेरा वो जो कैमरा है वो बंद हो गया, बैटरी बंद हो गई, और फिर उसके बाद वो वीडियो मैं बना ही नहीं पाया, ठीक है। तो समहाउ फिर और जब मैंने खुद पर्सनली फिर उसको विदाउट कैमरा बनाया, तो फिर मुझे पता चला कि वो मोबाइल में सब कुछ 1.8 प्लस 5 में सब बन रहा था, सब कुछ हो गया, सेट मेरा ऑन भी हो गया, फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि इसको बनाने का क्या मतलब है, मैं क्या दिखाऊंगा आपको, और अगर मैं आपको दिखा दूं देखो मोबाइल ऑन हो गया और डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो फिर लोग बोलेंगे भाई फेक है। तो मैंने बनाया नहीं, फिर मैंने वेट किया, मैंने हो सकता है कि एक 8A और मिल जाए। तो मुझे दूसरे दिन एक 8A और आ गया नेटवर्क के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को कंप्लीट कर दिया जाए, तो इसलिए वो दो भाग में और तीन चार भाग में बना हुआ है। तो इसके बाद वो वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को एंजॉय जरूर कीजिएगा। और मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?